अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे 100 डेली यूज वर्ब्स इन इंग्लिश एंड उर्दू। सो आज का पहला वर्ड है कचरा फैलाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिडर। लिडर मींस कचरा फैलाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कुतरना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं निबल। निबल मींस कुतरना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज राल टपकना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रूल। ड्रूल मींस राल टपकना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज झूलना, यानी कि झूला झूलना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्विंग। स्विंग मींस झूलना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज चूसना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सक। सक मींस चूसना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज चाटना या जुबान फेरना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिक। लिक मींस चाटना या जुबान फेरना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सांस लेना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनहेल। इनहेल मींस सांस लेना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सांस छोड़ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सहेल। एक्सहेल मींस सांस छोड़ना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्यास बुझाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वेंच। क्वेंच मींस प्यास बुझाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज खरीदना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाय। बाय मींस खरीदना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बेचना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सेल मींस बेचना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज चबाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं च्यू। ये इसका दूसरा नाम है मैस्टिकेट, मींस चबाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सीटी बजाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं विसल। विसल मींस सीटी बजाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हॉर्न बजाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉंक। हॉंक मींस हॉर्न बजाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हराटे लेना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर। स्नोर मींस हराटे लेना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज जमाई लेना या बासी लेना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यान। यान मींस जमाई लेना या बासी लेना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज छींकना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्नीज। स्नीज मींस छींकना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गाना गाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। सिंग मींस गाना गाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गाना गुनगुनाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम। हम मींस गाना गुनगुनाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डकार लेना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बर्प या इसका दूसरा नाम है बेल्च। बेल्च मींस डकार लेना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज थूकना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिट। स्पिट मींस थूकना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पलटना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लिप। फ्लिप मींस पलटना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज उछालना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टास। टास मींस उछालना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टपकना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीक। लीक मींस टपकना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज साबुन लगाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सोप। सोप मींस साबुन लगाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज शैम्पू लगाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं शैम्पू। शैम्पू मींस शैम्पू लगाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मांग निकालना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट। पार्ट मींस मांग निकालना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कंघी करना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोम। कोम मींस कंघी करना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पेशाब करना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पी। पी मींस पेशाब करना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पोटी करना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पूप। पूप मींस पोटी करना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पादना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फार्ट। फार्ट मींस पादना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज चोटी बनाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। प्ले मींस चोटी बनाना। इसमें टी साइलेंट होगा तो इसको आप प्ले पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हारिश करना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इच। इच मींस हारिश करना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फड़कना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्विच। ट्विच मींस आंख का फड़कना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पलक झपकना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लिंक। ब्लिंक मींस पलक झपकना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सेंकना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेक। बेक मींस सेंकना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज आटा गूंदना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नीड। नीड मींस आटा गूंदना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दस्तक देना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाक। नाक मींस दस्तक देना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज जरूरत होना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नीड। नीड मींस जरूरत होना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रोना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्राई। क्राई मींस रोना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हंसना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाफ।
लाफ मीन्स हंसना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पेश करना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्व. सर्व मीन्स पेश करना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पीना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक. ड्रिंक मीन्स पीना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज खाना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं ईट. ईट मीन्स खाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बच्चों की देखभाल करना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेबी सिट. बेबी सिट मीन्स बच्चों की देखभाल करना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कुंडी लगाना. इसे इंग्लिश में कहते हैं बोल्ट. बोल्ट मीन्स कुंडी लगाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कुंडी खोलना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं अनबोल्ट. अनबोल्ट मीन्स कुंडी खोलना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज खाना खिलाना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं फीड. फीड मीन्स खाना खिलाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हाथ से खाना खिलाना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं हैंड फीड. हैंड फीड मीन्स हाथ से खाना खिलाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज चम्मच से खाना खिलाना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पून फीड. स्पून फीड मीन्स चम्मच से खाना खिलाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बोतल से पिलाना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल फीड. बॉटल फीड मीन्स बोतल से पिलाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज थपकी देना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैट. पैट मीन्स थपकी देना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लटखड़ाना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमर. स्टैमर मीन्स लटखड़ाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हिचकी आना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं हिकअप. हिकअप मीन्स हिचकी आना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज छीनना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्नैच. स्नैच मीन्स छीनना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गड़बड़ करना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं फंबल. फंबल मीन्स गड़बड़ करना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज खोदना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिग. डिग मीन्स खोदना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टहलना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोल. स्ट्रोल मीन्स टहलना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सूंघना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्निफ. स्निफ मीन्स सूंघना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नाचना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं डांस. डांस मीन्स नाचना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मारना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं बीट. बीट मीन्स मारना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज काटना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइट. बाइट मीन्स काटना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डंक मारना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिंग. स्टिंग मीन्स डंक मारना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज चिपकाना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिक. स्टिक मीन्स चिपकाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंतजार करना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेट. वेट मीन्स इंतजार करना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज भरना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिल. फिल मीन्स भरना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज खाली करना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स खाली करना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फैलाना या चौपड़ना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रेड. स्प्रेड मीन्स फैलाना या चौपड़ना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज तोलना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं वे. वे मीन्स तोलना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पिघलना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेल्ट. मेल्ट मीन्स पिघलना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज छीलना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं पील. पील मीन्स छीलना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कसना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइटन. टाइटन मीन्स कसना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ढीला करना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं लूसन. लूसन मीन्स ढीला करना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टकराना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं बम्प. बम्प मीन्स टकराना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बुझाना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटिंग्विश. एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज जलाना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइट. लाइट मीन्स जलाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बांटना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट. डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सुकड़ना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं श्रिंक. श्रिंक मीन्स सुकड़ना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज झाड़ना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं डस्ट. डस्ट मीन्स झाड़ना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पूछना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाइप. वाइप मीन्स पूछना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज झाड़ू लगाना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्वीप. स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पोछा लगाना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं माप. माप मीन्स पोछा लगाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज धागा डालना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड. थ्रेड मीन्स धागा डालना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सिलाई करना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिच.
स्टिच मीन्स सिलाई करना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बुनना इसे इंग्लिश में बोलते हैं नीट नीट मीन्स बुनना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज तय लगाना इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोल्ड फोल्ड मीन्स तय लगाना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज तय खोलना इसे इंग्लिश में बोलते हैं अनफोल्ड अनफोल्ड मीन्स तय खोलना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लटकाना इसे इंग्लिश में बोलते हैं हैंग हैंग मीन्स लटकाना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सुखाना इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई ड्राई मीन्स सुखाना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हांपना इसे इंग्लिश में बोलते हैं गैस गैस मीन्स हांपना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज जीतना इसे इंग्लिश में बोलते हैं विन विन मीन्स जीतना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हारना इसे इंग्लिश में बोलते हैं लूज लूज मीन्स हारना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पढ़ना इसे इंग्लिश में बोलते हैं रीड रीड मीन्स पढ़ना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लिखना इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट राइट मीन्स लिखना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गूंजना इसे इंग्लिश में बोलते हैं एको एको मीन्स गूंजना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मसलना इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैश मैश मीन्स मसलना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज घिसना या कद्दूकश करना इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट ग्रेट मीन्स कद्दूकश करना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पीसना इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइंड ग्राइंड मीन्स पीसना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज छिड़कना इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंकल स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज भूनना इसे इंग्लिश में बोलते हैं रोस्ट रोस्ट मीन्स भूनना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज तलना इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्राई फ्राई मीन्स तलना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज छानना इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन जब आपने किसी लिक्विड चीज को छानना हो उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेन एंड द नेक्स्ट वर्ड इज छानना जब भी हमने किसी ठोस चीज को छानना होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिफ्ट सिफ्ट मीन्स छानना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फेंटना इसे इंग्लिश में बोलते हैं विस्क या फिर इसे विप भी बोलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल